हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सी लाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बोट नेक ब्लाउज की कटिंग सीखने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से। तो चलो, यहाँ पर अब हम बोट नेक ब्लाउज बनाने के लिए हमने अस्तर लिया है और ये मेन फैब्रिक है। तो अभी हम मेन फैब्रिक को साइड में रख देते हैं, हम अपना अस्तर वाला फैब्रिक ले लेंगे, ठीक है। तो चलो इसको हम पूरा ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, हमने इस तरह से पूरे अस्तर को फैला लिया है। फैलाने के बाद यहाँ पर हमने इसको डबल फोल्ड करके रखा है, दोनों को बराबर करके रखा है, क्योंकि ये हम जो ब्लाउज बनाएंगे बोट नेक के साथ में वन टक से ब्लाउज बनाएंगे, जिसकी फिटिंग भी अच्छी आती है और पहनने में देखने में भी लुक बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमने रख लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर इसको हम फिर से एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारा चार लेयर में हो जाएगा। आपको अपने अस्तर में प्रेस करके लेना है, ठीक है। मेरे में थोड़ा सा प्रेस नहीं है, अभी थोड़ी सी लाइट की दिक्कत है, इस वजह से मैंने प्रेस नहीं किया, लेकिन मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर लूँगी। अब चलो, यहाँ पर हमने इसको चार लेयर में करके रख लिया है। अब हम फोल्डेड साइड को अपनी साइड को रखेंगे, खुले भाग को दूसरी साइड को। तो इस तरीके से इसको बिल्कुल अच्छे से बराबर से रख लेना है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमने इसे रख लिया है। इसकी लंबाई हमको निकालनी है सबसे पहले। तो लंबाई हम यहाँ पर देख लेते हैं कितना है। ये हमारा 16.5 है, तो ये हमारा तैयार होगा 15 इंच का ब्लाउज। तो मुझे 15 इंच ही तैयार रखना है, तो मैंने यहाँ पर 16.5 इंच लिया है। आपको जितना तैयार रखना है, जैसे 14 इंच तैयार रखना है तो 15.5 इंच लीजिएगा, और जितना तैयार रखना है उसमें से 1.5 इंच प्लस करके लेना है, ठीक है। अब चलो, लंबाई हो गई। अब हम गले के लिए निशान डालेंगे। तो कपड़े के बंद भाग से हम 4 इंच ले रहे हैं। अगर आप 30 साइज से कम के हो तो फिर आपको 3.5 इंच लेना है, वरना आप 4 इंच ले लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसकी लेंथ लेके आएंगे, तो लेंथ भी सिर्फ और सिर्फ 4 इंच ही लेके आएंगे। तो चलो, यहाँ पर 4 इंच की लाइन खींच देते हैं और फिर इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2.5 इंच पर सेंटर से 2.5 इंच पर ये पॉइंट देंगे। ये हमने पॉइंट दिया, अब बस इतने में ही गोलाई करना है। यहाँ पर हमको ये 1/2 इंच पर गोलाई नहीं करना होता, इस तरीके से जैसे हम बाकी के गले पे गोलाई करते हैं, तो वैसे गोलाई नहीं करना। यहाँ पर हमको यहाँ से 2.5 इंच पर एक पॉइंट देना है और इसी पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पर हमें गोलाई कर लेनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी गोलाई होगी, तो क्या होगा, हमारा बोट नेक थोड़ा, बोट नेक का जो शेप होगा वो ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लिया। अब ये गोलाई करने के बाद हम यहाँ पर शोल्डर का नाप डालेंगे। तो कपड़े के बंद भाग से हम शोल्डर ले रहे हैं 7 इंच। अब जो हमने जितना शोल्डर लिया है उतना ही आर्म होल ले लेंगे। 7 इंच शोल्डर लिया तो आर्म होल भी हमारा 7 इंच जाएगा। अब इधर साइड हम फिटिंग डालेंगे। तो जैसे ये 40 साइज का ब्लाउज है, तो इसको हम 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। 10 इंच पर यहाँ पर निशान डाल देना है। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। ये हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हम सेंटर से 1.5 इंच की लाइन खींचेंगे। और नहीं सॉरी, अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा बोट नेक गला है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 1/2 इंच मतलब 1 इंच अंदर की साइड ऐसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसी लाइन से ऐसे तिरछे में लाइन ले जाएंगे। इससे अगर हम यहाँ पर से गोलाई कर लेंगे तो हमारे ब्लाउज में झोल आएगा, लेकिन यहाँ ऐसे कटिंग करेंगे तो हमारे ब्लाउज में झोल नहीं आएगा। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच की एक लाइन खींचेंगे, सेंटर से हमने खींचा, 1/2 इंच अंदर की साइड निशान लगाएंगे और बस यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया, 1/2 इंच अंदर जो गोलाई किया है वो गोलाई कर देंगे। ये हमने यहाँ पर अपना आर्म होल कंप्लीट कर लिया। अब नीचे हम कमर का नाप डालेंगे, जो भी आपकी कमर साइज हो वो उसको 4 से डिवाइड करना है, निशान लगाना है, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। अब हम इन निशानों को इस तरीके से मिला देंगे, लाइन खींच लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींच लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 1 टक्स का निशान डालना होगा, मतलब कपड़े के बंद भाग से हम 4 इंच लेंगे और ऊपर की साइड 4 इंच लेंगे, आगे वाले पल्ले में 4 इंच ही लेंगे लंबाई, ज़्यादा नहीं लेंगे। और चलो, इस तरीके से हमने 1 टक्स डाल दिया। अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे पूरी। चलो इसे हम कट कर लेते हैं। तो
तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से इतना कट करने के बाद जब भी हम घुटने गला या फिर बंद गला बनाते हैं तो हल्का सा हम अपने आर्म होल की साइड इस तरीके से थोड़ा सा तिरछे में कट करते हैं। तो इसको हम इस तरीके से तिरछे में कट करेंगे और अपना गला भी कट कर देंगे। तो देखो ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। अब इसको पूरा हम ओपन करके आपको दिखाते हैं गले का जो शेप होगा। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरीके से ये हमारा गला कटिंग हो चुकी है। देख सकते हो कितना परफेक्ट हमारा घुटनेक का शेप आया हुआ है। बाकी ये सिलाई होने के बाद और भी अच्छा आएगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की दोनों की कटिंग अभी हमने साइड साइड से कर ली है। अभी हम क्या करेंगे, ये पीछे वाला पल्ला साइड में निकाल देंगे और आगे वाले पल्ले को फिर से वैसे ही फोल्ड करके रखेंगे इस तरीके से। और ऐसे फोल्ड करके रखने के बाद जो हमने हाफ इंच अंदर डाउन किया है इसे कट कर लेंगे। तो चलो इसे कट कर लेते हैं। ध्यान रहे आपको पीछे वाले पल्ले को निकालने के बाद ही इसको अंदर की साइड हाफ इंच डाउन करना है, ठीक है? नहीं तो फिर आपका बैक पार्ट में भी डाउन हो जाएगा, तो फिर वहां पर खिंचाव आएगा। तो ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। अब चलो इसको पूरा ऐसे फैला लेंगे। फैलाने के बाद यहाँ पर देखो, अब आपको यहाँ पर खुद ही सोचना है कि आपको फ्रंट पार्ट में हुक रखना है या बैक पार्ट में। हम सेंटर से इधर भी 4 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की साइड भी 4 इंच लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर निशान लगाया है, ये हमने यहाँ पर 1-1 टक्स डाल दिया। अब ये हो गया हमारा आगे का पल्ला रेडी। अब आपको सोचना है कि आगे वाले पल्ले में हुक लगानी है या पीछे वाले पल्ले में, ठीक है? तो मैं तो आगे वाले पल्ले में ही हुक लगाऊंगी। तो हम यहाँ पर सेंटर से एक लाइन खींच लेंगे, लेकिन अभी कटिंग नहीं करेंगे। इसको मेन फैब्रिक में बिठाने के बाद ही कटिंग करेंगे, लेकिन हम लाइन सेंटर से ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर सेंटर से लाइन खींच लिया है। ये हो गया हमारा आगे का पल्ला पूरा रेडी। अब हम पीछे का पल्ला ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर पीछे का पल्ला ले लिया। और पीछे के पल्ले में हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर जो हमारा डॉट का निशान डला है 4 इंच पर, बस लंबाई हमको थोड़ी सी पीछे की बढ़ा देनी है, लगभग 1 इंच। ये हमने यहाँ पर उसी के ऊपर निशान डाल दिया है। सेम तरीके से दूसरे की साइड भी डाल देना है। ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 इंच ऊपर पॉइंट देंगे नीचे की साइड से और हल्की सी गोलाई करते हुए यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। इससे क्या होता है, हमारे जो ब्लाउज की फिटिंग होती है बहुत ही परफेक्ट आती है। ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली। चलो ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला और ये हो गया हमारा आगे का पल्ला। ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली मेन फैब्रिक की। अभी हम स्लीव्स की कटिंग इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो मेन फैब्रिक है बहुत कम है। अगर फैब्रिक बचेगा तो फिर हम स्लीव्स की केवल कटिंग करेंगे बिना अस्तर वाली स्लीव्स, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा पतला कपड़ा है और बिना अस्तर की स्लीव्स बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन बचेगा तब कटिंग करेंगे, नहीं बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम इसको स्लीवलेस ही ब्लाउज रखेंगे, ठीक है? तो चलो अब मेन फैब्रिक की कटिंग हम यहाँ पर इसी के बराबर से कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, हमने जो अस्तर कट किया था, अस्तर के हर जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। ये हो गया हमारा पीछे आगे का पल्ला, ठीक है? और हमने पीछे के पल्ले को भी बिल्कुल जैसे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है वैसे ही बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है, हर जगह से 1/2 इंच लेते हुए, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब हमारा जो कपड़ा बचा है मेन फैब्रिक का, सिर्फ और सिर्फ इतना बचा है, जिससे कि हमारी छोटी स्लीव्स तो आ जाएगी लेकिन वहाँ पर ज्वाइंट भी लगेगा। तो मैं यहाँ पर स्लीव्स नहीं लगाऊंगी, ठीक है? और अगर होगा तो मैं पतली सी यहाँ पर फ्रिल जरूर लगा दूंगी। देखती हूँ कि कितना फैब्रिक मतलब फ्रिल बनती है कि नहीं बनती है। अगर फ्रिल बन जाएगी तो फिर फ्रिल लगा देंगे, वरना फिर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो चलो इसको हम साइड में रख देते हैं। और ये हमारा फ्रंट और बैक हो गया है। अब हमको यहाँ पर कटिंग चाहिए, मतलब अभी फैब्रिक क्या चाहिए। साइड में हम फ्रिल वगैरह नहीं लगाएंगे क्योंकि इतना फैब्रिक नहीं बचा है। तो हमको साइड का फोल्ड करने के लिए अभी पहले हमको घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने गले मतलब आगे की घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी निकालेंगे। तो चलो यहाँ पर हम इसको बराबर से रखेंगे। हमको 2 पट्टियाँ चाहिए, तो एक को हम अलग कर देते हैं, सिर्फ एक पट्टी को रख, एक मतलब इसको अस्तर को रखेंगे। और यहाँ पर ये जो है हमारा लंबाई में ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जो हमारा ब्लाउज की लंबाई है वो ज़्यादा है और वो उठने के तो गला भी ज़्यादा नहीं कट है। तो ये हमको लंबी पट्टी चाहिए
तो हम इस तरीके से लंबी पट्टी दो कट कर लेंगे। ये हमारी दो पट्टियां हो चुकी हैं। एक तो हमें घटवा पट्टी के लिए सिर्फ अस्तर की पट्टी चाहिए और बढ़वा पट्टी के लिए अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों चाहिए। तो मेन फैब्रिक को भी हम इस जगह पर हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा ले के कट कर लेते हैं। तो देखो ये हमने यहाँ पर घटवा पट्टी बढ़वा पट्टी भी निकाल ली है। अब चलो यहाँ पर हमको साइड का जो मतलब आर्म होल है उसको फोल्ड करने के लिए हमको चाहिए होंगी पट्टी जो कि हमें अस्तर से निकालनी है। तो अब हम यहाँ पर और एक पट्टियाँ निकालेंगे। तो बस इस तरह से पटरी को रखेंगे। और एक में पट्टियाँ हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से ये हमारी चार पट्टियां हो गई, एक पट्टी ये हो गई। तो हमें ये पांच पट्टियों में आराम से दोनों साइड के लिए आर्म होल हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारा पूरी कटिंग हो गई है हमारे ब्लाउज की। तो हमने अपने फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और घटवा पट्टी, बढ़वा पट्टी और एक पट्टियां सारी निकाल ली है। तो बस इसकी अब हमें सिलाई करनी है। तो सिलाई कैसे करनी है आप सोच रहे होंगे कि गले के लिए हमने फैब्रिक नहीं निकाला है और एक पट्टी। जी हाँ, हमने नहीं निकाला है और हम गले को डायरेक्ट फोल्ड करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे फिटिंग और फिनिशिंग भी आएगी। तो गले को आपको देखना है कि किस तरीके से फोल्ड करना है, तो ये आपको सिलाई वाले वीडियोज में मिलेगा। तो कल की वीडियो में हम लोग इसकी सिलाई सीखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर देना। जो भी समझ नहीं आया है कमेंट्स कर देना। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।